जब पुराने लोग खाने की नुकसान की चीज भी खाते थे तो भी यूं कहते थे कि भाई तुम्हें तो नुकसान करेगी, हमें नुकसान नहीं करती। वो ऐसा क्यों कहते थे? भाई इसके पीछे दो मोटे कारण है। एक तो वो खुश मन से खाते थे, हमने पिछले वीडियो में समझा कि खुश मन से वो कोई चीज खा रहे हो तो आपके शरीर में कुछ प्राण बढ़ाएगी। दूसरा क्या है, योग के शास्त्रों में आता है कि आप जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। अगर आप ये सोचोगे कि खाने की चीज मैं खाऊंगा तो मुझे नुकसान करेगी तो वो नुकसान कर जाएगी। अगर नहीं सोचोगे तो हो सकता है नुकसान करे या नहीं करे, अगर वो नुकसानदायक है तो शायद करे वरना ना करे। लेकिन अगर आप फायदे की चीज के लिए भी सोचोगे ना, अरे मुझे नुकसान कर जाएगी नुकसान कर जाएगी, तो वो नुकसान कर जाएगी। तो उन पुराने लोगों का कहने का मतलब ये होता था कि तुम सोच रहे हो नुकसान करेगी, तुम डरे डरे मन से खा रहे हो तो तुम्हें नुकसान कर सकती है, हम ऐसा कुछ सोच नहीं रहे, हम खुश मन से खा रहे हैं तो हमें नुकसान नहीं करेगी, वो ऐसा कहना चाहते थे। और अगर कर्म सिद्धांत के आधार पर इसी चीज को देखें तो अगर आप डरे डरे खा रहे हो तो उस डर के कारण आपके नए कर्म बनेंगे, जिन कर्मों का फल ही है कि जिस चीज से आप डर रहे हो वो चीज आपके साथ में हो जाएगी। तो अगर आप डरे डरे खा रहे हो कि नहीं नहीं मुझे नुकसान कर जाएगी तो वो डर के जो कर्म बंधे आपके, उन कर्मों का फल यह है कि वो नुकसान कर जाएगी। एक दूसरा, आप अपने शरीर के मोह के मोह रख रहे हो कि अरे नहीं नहीं मेरा शरीर खराब हो जाएगा, ऐसे खाने से शरीर खराब हो जाएगा। तो ये जो उन मोह के कर्म बन रहे हैं, इन मोह के कर्मों का फल यह है कि जिस चीज से आप मोह रख रहे हो आपका शरीर, वो चीज आपसे दूर हो जाएगी। जिस चीज का आप अच्छा, जिस चीज को आप पाना चाहते हो आपके शरीर की अच्छी सेहत को, वो चीज ही आपसे दूर होगी। तो आपके शरीर की अच्छी सेहत आपसे दूर होने लग जाएगी। इसीलिए इतना गाढ़ा मोह रख करके या घृणा रख के या डर करके खान पान नहीं करना चाहिए या कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए। अगर आपको महसूस होगी या कोई चीज आपके शरीर को नुकसान करेगा तो उसे साधारण संभाव से छोड़ दो बस।